हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फिज़ा एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको एकदम परफेक्ट चिकन लॉलीपॉप का मसाला बनाना सिखाऊंगी। आप इस मसाले में चिकन भी फ्राई कर सकते हैं, उसके स्ट्राइप्स फ्राई कर सकते हैं और लॉलीपॉप फ्राई कर सकते हैं। जैसे कि हम लॉलीपॉप बनाते हैं तो यूजुअली बाहर से जो रेडीमेड मसाला आता है वो यूज़ करते हैं। तो ये रेसिपी देखने के बाद आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में कुछ सामान से वो मसाला बना सकते हैं और बहुत ही परफेक्ट जो है चिकन लॉलीपॉप बन के रेडी होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है कम्फर्ट फूड विद फिज़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। एक बोल ले लिया है जिसमें मैं सारे ड्राई मसाले मिक्स करूंगी। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून भर के मैदा ले लिया। अब वही क्वांटिटी में 2 टेबलस्पून भर के मैं ले रही हूँ बेसन, चिकपी फ्लावर बेसन, और उतनी ही क्वांटिटी में मैं लूँगी चावल का आटा। तो ये 3 इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़रूरी है कोटिंग के लिए। ऊपर जो उसकी क्रिस्पी कोटिंग आती है ना, तो उसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर और बेसन वगैरह ये तो होता ही है। तो ये 3 आटा जो है वो आप ज़रूर लेना। और ये मसाले मैं आप तो लोगों को ये सारे जो ड्राई मसाले हैं इसमें हैं अदरक लहसुन का पाउडर, प्याज का पाउडर, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, सुमक पाउडर जो एक आता है वो, और जो चिकन क्यूब्स आते हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो प्लीज़ चेक कर लेना। यहाँ पे मैंने लॉलीपॉप्स को जो है बहुत अच्छे से वॉश कर दिया। उसमें 1 अंडा मैंने मिक्स किया है, उसके साथ साथ 1 टेबलस्पून भर के डार्क सोया सॉस और विनेगर मैं डाल रही हूँ, और जो ड्राई मसाले हमने जो मिक्स करके रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो अभी जब आप इसको मिक्स करोगे ना तो ये काफ़ी सूखा सूखा लगेगा क्योंकि हमने आटा वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलाया है, बट डरना नहीं है। आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी, जो मसाले की जैसे आपको चाहिए कोटिंग वैसी जब कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी, तो आप इसको मैरिनेशन के लिए रख देना और 1 घंटा एटलीस्ट इसको रख देना मैरिनेट होने के लिए। तो मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे से लॉलीपॉप के अंदर तक चला जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी आपके जो है ना लॉलीपॉप बनकर रेडी होंगे। तो लास्ट में मैंने ना देखा इसमें कलर का, थोड़ा सा मुझे कलर जो है ना रेड चाहिए था, तो इसके लिए मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया है। और लास्टली अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सॉल्ट। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया, तो अभी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं जो कोटिंग की मुझे गाढ़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए थी वैसी हो गई है। अब मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी 1 या आधे घंटे के लिए, और फिर इसको मैं आप लोगों को फ्राई करके बताऊंगी। तो बस मेरा जो है ना आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसको जा रही हूँ फ्राई करने। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, अच्छे से हॉट हो गया है। अब इसमें आपको फ्राई करना है, तो इसमें फ्राई करने के टाइम पे आप ये ध्यान देना, पहले एकदम गरम कर लेना तेल, फिर मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना, लो कर देना, और इसको एकदम लो फ्लेम पे आपको फ्राई करना है। और एकदम ओवर क्राउड नहीं कर देना ऑयल में, एकदम भर नहीं देना, चार चार करके आप फ्राई करना। तो ये आप देख सकते हैं अभी से आपको इसकी कोटिंग नज़र आ रही होगी कि कितना क्रिस्पी नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग चिकन फ्राई करके ज़रूर देखना, और जब जब भी आपके घर में लॉलीपॉप वगैरह बने तो बाहर से मसाला मत मंगवाना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फूड कलर होता है जो कि बहुत हार्मफुल है, तो आप लोग उसको अवॉइड करना। और ये वाला मसाला जो मैंने आप लोगों को बनाना बताया है इसे ट्राई करके ज़रूर एक बार चिकन लॉलीपॉप बनाकर देखना। तो बस अब ये मैं सेकेंड बैच भी फ्राई कर दूंगी। साथ ही साथ ना मैंने थोड़े से बोनलेस चिकन भी निकाल दिए थे क्योंकि मसाला ज़्यादा था, तो मैंने सोचा वो भी मैं इसी मसाले में ऐड करके उसको भी फ्राई कर देती हूँ। बाद में ना मैंने एक और अंडा इसमें ऐड किया था क्योंकि ज़्यादा चिकन मैंने वापस से ऐड कर दिया था इसलिए, लेकिन जो जो क्वान्टिटी मैंने आप लोगों को बताई है वो सेम क्वान्टिटी रखना। और 1 किलो था चिकन लॉलीपॉप जो है, 1 किलो था, तो मैं आप लोगों को उसकी भी क्वान्टिटी बता दे रही हूँ। 1 किलो के हिसाब से सारी चीज़ें मैंने डाली है, उस हिसाब से आप लोगों को डालना है। ठीक है, अभी ये मैं फ्राई कर लूँ और फिर बस मेरा वीडियो होता है इसी के साथ साथ ख़त्म, रेसिपी हो गई कंप्लीट। इस तरह से ज़रूर ट्राई करके आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, उससे आप लोग अपडेटेड रहेंगे मेरे नए नए वीडियोज़ के लिए। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाई।